Bye. <laughs> जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश वशीकरण तिलक के बारे में आप में से बहुत लोगों ने पूछा है मतलब कोई ऐसा तिलक हो जिसको लगा करके आपके आसपास का जो समस्या है वो रिजॉल्व हो जाए जो आपको देखे वो आपसे लड़ाई ना करे झगड़ा ना करे तो दो तरीके का वशीकरण तिलक आता है एक वो जिसको आप रोज धारण कर सकते हैं दूसरा वो जब कोई विशेष प्रयोजन हो तब इस वशीकरण तिलक को धारण किया जाता है ठीक है और इस वशीकरण तिलक की खासियत यह है कि आपको हमेशा कोई सामग्री लेके नहीं चलना पड़ेगा आपको लगे कि कहीं पर आपका कोई मामला खराब हो रहा हो तो फिर आप इस वशीकरण तिलक का प्रयोग कर सकते हैं इस मंत्र को सिद्ध करना भी बहुत आसान है हनुमान जी की प्रतिमा के पास आपको जाना है ठीक है जो सिंदूरी हनुमान जी होते हैं जिनपे सिंदूर चढ़ता है ऐसे बहुत सारे हनुमान जी का मंदिर होता है जिसपे सिंदूर आप चढ़ा सकते हैं और बहुत सारे ऐसे हनुमान जी का मंदिर होता है जहाँ पर आप सिर्फ पूजा पाठ कर सकते हैं तो ऐसे मंदिर में जाना है जहाँ आप सिंदूर चढ़ा सकें आपको भगवान को किसी एक शनिवार से शुरू करके 21 दिन तक जो भकरा सिंदूर होता है उसको लेपना है भगवान पे तो उसका तरीका ये होता है कि आप भकरे सिंदूर में थोड़ा सा तेल मिला लें और उसके बाद बाबा के पूरे शरीर में उसका लेपन करें ठीक है और इसको लेपन करके आपको जो मंत्र है वो 108 बार पढ़ना पड़ता है ठीक है तो सबसे पहले गए हनुमान जी के मंदिर में वहाँ पर उनके मूर्ति पर विग्रह पर सिंदूर लेपन किया जो भकरा सिंदूर आता है ऑरेंज कलर का लाल सिंदूर नहीं और उसके बाद उनके सामने बैठ करके इक्कीस दिनों तक मतलब रोज ये कार्य करने के बाद एक सौ आठ बार मंत्र का जाप करना है इतना करने मात्र से जो टीका वशीकरण मंत्र है वो सिद्ध हो जाता है मंत्र क्या है ओम नमो आदेश गुरु जी को राजा मोहू प्रजा मोहू मोहू ब्राह्मण बनिया हनुमंत ब्राह्मण बनिया हनुमंत रूप में जगत मोहू तो रामचंद्र परमाणिया गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फूल मंत्र ईश्वर वाचा मतलब हनुमान जी की दुहाई है इस मंत्र में और सबको हनुमान के रूप में देखते हुए उनका वशीकरण हो ऐसे इस मंत्र में माना जाता है एक बार फिर से मंत्र सुनिए ओम नमो आदेश गुरु को राजा मोहू प्रजा मोहू मोहू ब्राह्मण बनिया हनुमंत ब्राह्मण बनिया हनुमंत रूप में जगत मोहू तो रामचंद्र परमाणिया गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फूरो मंत्र ईश्वर वाचा इतना जैसे आप कर लेते हैं मतलब 21 दिन तक सिंदूर का चोला चढ़ा करके और 108 बार इस मंत्र का जाप कर लेते तो ये मंत्र प्रयोग के लिए सिद्ध हो जाता है जब आपको लगे कि आपको किसी व्यक्ति से खतरा है या झगड़ा झंझट होने की संभावना है या कोई व्यक्ति आपका आपकी बात नहीं मानने वाला है तो किसी चौराहे पे चले जाएंगे ठीक है अगर कच्चे मिट्टी का चौराहा हो तो ज़्यादा बढ़िया ठीक है जैसे गांव में होता है जैसे जंगल में होता है जैसे पगडंडियों के बीच में चौराहा बन जाता है अगर ना मिले तो कोई भी चौराहा वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी है और उस मिट्टी से आपको तिलक कर लेना है और तिलक करते वक्त फिर से यही मंत्र बोलना है बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस तिलक को लगाने के बाद आप जब तक तो अमुख व्यक्ति से मिलते नहीं है जिसका आपको अवशीकरण करना है जो आपके संपर्क में होना चाहिए अच्छे संपर्क में होना चाहिए तब तक अपने मुंह को धोना मत ये तिलक आपके चेहरे पे होना चाहिए इसकी एक और खासियत है कि ये तिलक दिखता नहीं है क्योंकि आप बहुत थोड़ा सा उठा करके अपने सर पे लगाते हो तो तिलक दिखता नहीं है इसीलिए इसको लगा करके कहीं भी जाइए और ये ट्राइड एंड टेस्टेड विधान है इसको आप लोग करिए रोज लेकिन इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं बहुत जब विशिष्ट किसी क्योंकि इसमें दुहाई दी गई है रामचंद्र की दुहाई है हनुमान की दुहाई है तो इस तरह का साबर मंत्र जब बहुत अनिवार्य हो तभी प्रयोग करना चाहिए आम दिनों के लिए तो मैंने और सब भी वशीकरण तिलक का मंत्र दिया हुआ है उनका प्रयोग करिए वशीकरण कोई चमत्कार नहीं है वशीकरण बस किसी और व्यक्ति के एनर्जी सिग्नेचर से आपके सिग्नेचर को मिलाता है आज के लिए इतना ही जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे नंबर नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव से जुड़ इसमें साधना के पहले के जितने भी विषय हैं वो मैं बताता हूँ जैसे आसन बंधन शरीर बंधन डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप पर आप आ जाइए उसमें रूद्रनाथ एट सी एम फोर सर्च करिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा उसमें आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने का और भी तरीका है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट अघोर तंत्र से या डब्ल्यू 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 अघोर तंत्र से डॉट एक्सट विजिट पे पंडित की विधि हनुमान वीर आप लोगों को सदा समृद्ध रखे ऐसी मेरी कामना है आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश